बताओ भला, और बेसन के लड्डू में क्या खराबी है? नहीं, मेरी तो बात ही नहीं समझ में आ रही है। लेकिन हमारे दामाद जी को ना मोतीचूर के लड्डू ही खिलाने लड़के वालों को। हाँ, अरे कुबेर के वंशज जो ठहरे, हाँ नहीं तो। अरे जब पता है कि लड़के वाले कोल्ड ड्रिंक और समोसे ही ठूसेंगे और बड़ी बहन की जगह छोटी बहन को पसंद करेंगे, बात मई के मई धरी रह जाएगी। पिछले 17 बार से यही सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन सुनेगा कौन? बना लेते। वैसे मेरी भव्या है ना, एकदम लक्ष्मी माता का स्वरूप है। मेरी हर बात बिना सवाल किए मानती है और सेवा भी बहुत करती है मेरी। नहीं वैसे नव्या भी बुरी नहीं है, लेकिन लड़की चंचल बहुत है। एक पांव तो जैसे हवा में रहता है उसका, दिन भर भाग दौड़ मस्ती मटर गस्ती, बाहर घूमना, इसको छेड़ना उसको छेड़ना, बस यही सब कुछ करती रहती दिन। मैंने तो कहा दामाद जी से, लगाम थोड़ी कस के रखो छोटी की, हाथ से निकल ना जाए लड़की। लेकिन घर में मेरी सुने कौन? कुड़कुड़ देवी कहते हैं मुझे सब, मेरी पीठ के पीछे, जैसे मुझे पता नहीं है। मुझे सब पता है, हाँ कान बहुत तेज है मेरे। अरे अगर इस समाज में रहना है तो समाज के रीति रिवाज कायदे कानून सब मान के रहना पड़ेगा कि नहीं है? लेकिन आजकल के बच्चे तो ये समझते ही नहीं है, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन ना सुनने वालों को अपने तरीके से समझाएगी ये कुड़कुड़ देवी, है कि नहीं? चलो अब लड्डू बना लेते हैं, होगा वही जो 17 बार से हो रहा है। हाँ